नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत के विषय में बताऊंगी। जैसे कि बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि यह निर्जला एकादशी व्रत कैसे करना है, यदि शारीरिक क्षमता नहीं है, दिक्कत है, हम बीमार हैं, हमें दवाइयाँ लेनी है, तो हम निर्जला व्रत कैसे रखें? क्या पानी पी सकते हैं? क्या रात्रि में पानी पीकर अगले दिन से व्रत रख सकते हैं? रात्रि में कितने बजे तक पानी पी सकते हैं? 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, कब तक पी सकते हैं या फिर नहीं पी सकते हैं? यदि निर्जला व्रत रखने की क्षमता नहीं है तो क्या फलाहार लेकर हम व्रत रख सकते हैं? क्या क्या विधि है? और बहुत सारी जो दुविधा है हमारे मन में, आप सभी लोगों के मन में शायद हो ऐसा प्रश्न, तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाएंगे इस वीडियो में। सभी बातें क्लियर करूंगी। आप लोग अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय, किसी प्रकार की दुविधा मत रखिएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और सारी बातें समझ लीजिएगा और एकादशी व्रत को इसी तरह धारण कीजिएगा सभी बातों को समझकर। तो चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, दोस्तों जो हमारा सनातन धर्म है, धर्म यह कभी नहीं कहता कि आप अपने आप को कष्ट दें, या ईश्वर या प्रभु कभी नहीं कहते कि आप अपने आप को शारीरिक कष्ट देकर हमारी आराधना करें। वो तो केवल भक्ति भाव चाहते हैं, हमारी श्रद्धा चाहते हैं। दूसरी चीज कि धर्म वो है जो सभी आसानी से धारण कर सकें, हम सभी लोग धर्म को आसानी से धारण कर सकें, इसमें कोई पाबंदी कोई बाध्यता ना हो। ये तो बात हो गई। अब आइए मैं बात करती हूँ उन प्रश्नों का जो कि आप लोगों के मन में शायद ऐसा हो। देखिए, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, हम सभी लोग जानते हैं, और पूरा सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जला व्रत रखना कठिन भी है, कोई आसान बात नहीं है। लेकिन जो भी भाई बहन प्रत्येक माह का व्रत रखते हैं उनके लिए भी यह व्रत रखना बहुत आवश्यक है, और जो नहीं भी रखते हैं तो वो केवल निर्जला एकादशी का व्रत रख लें तो उन्हें संपूर्ण 12 मास की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि यह व्रत रखने से हमें संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो अब बात आती है कि जिसकी शारीरिक क्षमता नहीं है, जिसको दिक्कत है, वो पानी पीकर व्रत रख सकते हैं? जी बिल्कुल पीकर रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? आप सुबह उठें, जैसा कि सारा जो नियम है, विधि है, वो मैंने वीडियो उसका दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। सुबह उठकर आप लोग स्नान आदि करके जब भगवान जी का पूजन अर्चन कर ले, श्री हरि नारायण जी माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करके उनकी आरती भोग प्रसाद विधि विधान से सब कुछ आप नियम करने के बाद आप एक पात्र में जल रखें, वहीं पूजा स्थान पे आप जल रख लें और उसमें एक तुलसी पत्र डाल दें। दोस्तों, तुलसी पत्र डालने के बाद वो जल जो है वो गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है, वो समझ लीजिए कि गंगा जल ही हो जाता है। तो आप चाहें, आप मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है, नहीं रख सकते हैं, तो उस जल को आप ग्रहण करके आप व्रत रख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि थोड़ी बहुत क्षमता आपके अंदर है तो आप पूरे दिन केवल जलपान कर लें, अर्थात चाय जलपान हुआ, जैसे जिसको शरबत हो गया, नींबू थोड़ा सा चीनी डालकर आप शरबत बना सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं, मतलब कोई अन्न ना हो उसमें, अनाज की कोई मात्रा ना हो। तो इस तरह से पूरे दिन आप जलपान कर लें और संध्या के समय पूजन अर्चन आरती भोग प्रसाद सब अर्पित करने के बाद आप मीठा फलाहार या सेंधा नमक युक्त फलाहार कर सकते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर है। तो इस तरह से भी आप व्रत धारण कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, दवाइयां लेनी है, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, और एकादशी जो यह व्रत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, इसमें अन्न ग्रहण करना भी वर्जित है, तो आप फलाहार करके भी व्रत धारण कर सकते हैं। पूरे दिन आप जो भी आप फलाहार लें, फल ले लें, कोई मीठा फलाहार बनवा लें या नमक वाला, सीधा नमक वाला फलाहार बनवा लें, और दिन भर श्री हरिनारायण जी के मंत्रों का जप करते रहें, उनके चरणों में अपना ध्यान करते रहें, किसी भी प्रकार का अनैतिक कर्म ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, चुगली निंदा ना करें, तो समझ लीजिए वैसे ही प्रभु अपने चरण शरण में आपको रख लेंगे। आपको कोई ऐसी बाधा या दुविधा आपके मन में नहीं होनी चाहिए कि मैं फलाहार करके व्रत रख रहा हूं या रख रही हूं तो क्या मेरा निर्जला एकादशी का व्रत खंडित हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, जिनकी शारीरिक क्षमता सही है, वो पूरे दिन नियम धर्म से, अर्थात सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक वो निर्जला व्रत धारण करें। ये तो हो गई बात। अब दूसरी चीज
मान लीजिए कि आप पूरे दिन 24 घंटे निर्जला व्रत धारण कर रहे हैं, तो क्या आप एक दिन पहले जैसे दशमी की रात्रि को सबसे पहली बात तो आप उस दिन सात्विक भोजन ही करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, इस दिन लहसुन प्याज युक्त भोजन बिल्कुल भी ग्रहण न करें। अब रात्रि की जब बात आती है कि गर्मी का बहुत ही ज्यादा गर्मी का मौसम है और दिक्कत हो सकती है, तो आप रात्रि में 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे तक, 4 बजे तक भी आप पानी पी सकते हैं। पर्याप्त पानी आप पी लें, जितना भी पानी पी सकें आप पी लें, शरबत बनाकर पी लें, नींबू पानी पी लें या चीनी नमक नींबू डालकर उसको पी लें, उससे बहुत ही ज़्यादा ताकत आती है, एनर्जी आती है, पर्याप्त पानी पी लें। देखिए मैं पहले समझा देती हूँ ये बात। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एकादशी तिथि है वो 30 मई को ही दोपहर में प्रारंभ हो जा रही है, तो आप लोगों के मन में ये आएगा कि हम एकादशी तिथि तो एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जा रही है, तो कैसे हम दशमी की रात्रि को जल ग्रहण करें, हमारा व्रत खंडित हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो तिथि होती है दोस्तों, इसकी जो गणना होती है, तिथि का कहने का मतलब तिथि का प्रारंभ और तिथि का की तिथि की समाप्ति, इसकी गणना सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक होती है। कहने का मतलब है तिथि भले ही प्रारंभ एक दिन पहले हो जा रही है, लेकिन एकादशी जो मान्य है वो सूर्योदय के बाद ही से एकादशी मान्य होगी। ये तिथि का जो जो तिथि की बात है, तो तिथि इसी तरह से तिथि की गणना होती है। अब टाइम की बात है तो आप लोग घड़ी देखते होंगे कि जैसे ही 12 बजता है वैसे ही दिन और ये तारीख चेंज हो जाता है, बदल जाता है, 12 बजे से लेकर 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे को बदल जाता है, लेकिन तिथि ऐसी नहीं होती है। तिथि की गणना सूर्योदय के बाद से ही होती है। तो रात्रि में आपको 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक पानी पीने में कोई दोष नहीं है। 4 बजे आप न पिए, लेकिन 3:30 बजे तक आप पानी पर्याप्त मात्रा में पी लें, जिससे कि आपको अगले दिन कोई दिक्कत ना हो। चाहे तो आप कोई एनर्जी ड्रिंक भी ले सकते हैं, पी सकते हैं पानी। तो ये सारी बातें हो गई कि आप इन पूरी तरीकों से आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। लेकिन जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, जिनकी शारीरिक क्षमता सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरे दिन 24 घंटे निर्जला व्रत जरूर धारण करें। इसके साथ ही साथ कौन कौन सी बात को आपको ध्यान देना है, इस दिन पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान श्रीहरि नारायण जी की, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करके उनके मंत्रों का जप करें, किसी प्रकार का अनैतिक कर्म न करें। और एकादशी के दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का अन्न, जल, कुछ भी ग्रहण आपको नहीं करना होता है। मान लीजिए ये तो निर्जला एकादशी व्रत है आप रख रहे हैं, यदि आप पानी भी पीकर व्रत रख रहे हैं, तो भूल कर भी किसी भी एकादशी को दोस्तों आप लोगों को किसी दूसरे घर का अन्न, किसी दूसरे के घर का जल एकादशी के दिन ग्रहण बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान जरूर दें। अब बात आती है पारण के समय की, तो पारण के समय में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एकादशी पारण में दान का बहुत ज्यादा महत्व है। अब ये ज्येष्ठ मास की एकादशी है, इसमें क्या क्या चीजें दान करना होता है, तो इस एकादशी में सबसे अधिक महत्व है जल दान का। आप जल दान करें, मिट्टी का कोई पात्र नया ले लें, नया मटका ले लें, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जल भरकर आप इस एकादशी के दिन, अर्थात जब द्वादशी तिथि को आप पारण करेंगे, तो उस समय आप जल भरकर एक मटके में जरूर दान करें। इसके साथ ही साथ आप पंखे का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं, उस पर कुछ दक्षिणा रख सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, लेकिन जल दान करना मत भूलिएगा। ज्येष्ठ मास की एकादशी और बैसाख मास की एकादशी का जब हम पारण करते हैं, इसमें जल दान का विशेष महत्व होता है। पूरे बैसाख मास में भी, पूरे मास में जल दान का बहुत महत्व होता है, और एकादशी तिथि की तो बात ही अलग है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और श्रीहरि नारायण जी की प्रिय तिथि है। तो आप लोग ज्येष्ठ मास की एकादशी को भी जल दान अवश्य ही कर दीजिएगा, मिट्टी के पात्र में। यदि आप चाहें तो पीतल या तांबे का पात्र भी ले सकते हैं, नया होना चाहिए, आप किसी भी पात्र में दान कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का पात्र बहुत ही शुभ होता है, पवित्र होता है, और इससे दान करते हैं आप तो बहुत ही उत्तम होगा। तो आप लोग जल दान कर दीजिएगा, अन्न दान कर दीजिएगा, आप लोग चाहें तो ब्राह्मण को भोजन ग्रहण करवा दीजिएगा, गौ माता की सेवा इस दिन जरूर कीजिएगा, गौ माता को भोजन दीजिएगा। ये सारे कार्य करने के बाद आप सबसे पहले तुलसी पत्र ग्रहण करके इस व्रत को खोलिएगा, अर्थात इस व्रत का पारण कीजिएगा। भगवान जी का पूजन अर्चन करने के बाद, दान करने के बाद, तुलसी पत्र ग्रहण करने के बाद, जो भी आपने प्रसाद भोग भगवान श्री हरि नारायण जी के समक्ष रखा है, उन्हें अर्पित किया है, उसी भोग प्रसाद को ग्रहण करके आप अपने व्रत को खोलिएगा।
दोस्तों जब निर्जला व्रत पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत यदि आप धारण कर रहे हैं तो पानी पीते समय आप ध्यान दीजिएगा, पहले थोड़ा पानी पीजिएगा। एक ही बार बहुत ज्यादा पानी पीने से दिक्कत भी हो सकती है, तो पहले थोड़ा पानी पीजिएगा, धीरे धीरे आप बाद में और ज्यादा पानी पी सकते हैं। अब बात आती है कि जब आपको अन्न ग्रहण करना है तो किस प्रकार के अन्न को आपको ग्रहण करना है। सबसे पहली बात तो पारण में भी आपको सात्विक भोजन ही करना है, आपको लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। सब्जी की मैं बात करूं तो आपको इस दिन बैंगन की सब्जी, सेम की सब्जी, गोभी की सब्जी नहीं खानी है, मसूर की दाल नहीं खानी है, साग नहीं खाना है। बाकी सब्जियों का सेवन आप कर सकते हैं, हरी सब्जियों का सेवन आप कर सकते हैं, जिसमें कि नेनुआ है, तरोई है, ये सब जो पानी वाली सब्जियां होती हैं जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ये सब सब्जियां बहुत ही फायदेमंद होंगी। और 24 घंटे निर्जला व्रत रखने के बाद ये सभी सब्जियां आप खाएंगे तो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए उत्तम होगा। तो इस तरह से आप पूरी एकादशी का व्रत धारण करें, दान करें, भगवान श्रीहरि नारायण जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। और मान लीजिए कि एकादशी व्रत आप नहीं भी धारण कर पा रहे हैं या नहीं रखते हैं या शारीरिक क्षमता नहीं है, किसी कारणवश नहीं रख रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस दिन चावल का सेवन न करें, लहसुन प्याज का सेवन न करें, सात्विक भोजन रोटी हो, कोई हरी सब्जी हो, इसका सेवन करें। और पूरी जो नियम विधि होती है अर्थात पूजन अर्चन आरती भोग प्रसाद, ये सारे नियम का पालन करें। सुबह और संध्या के समय दोनों समय पूजन अर्चन करें, दान भी करें द्वादशी तिथि के दिन। इस तरह से करके भी आप एकादशी के का लाभ उठा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल आप इस दिन किसी भी प्रकार के मांस मदिरा या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण न करें। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एकादशी व्रत किस तरह से हम रखें या मन में आप संशय रखें या किसी प्रकार की दुविधा रखें। मुझे लगता है कि बातें सभी क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमः शिवाय।